इनका इनके भी क्या है, इन जॉइंट्स के अंदर, फिंगर्स के अंदर कोई साइंस इनको डेवलप नहीं है, ठीक है, कोई साइंस इनका प्रिपल्सर नहीं है। साथ में इनको अगर इनकी जो मोमेंट भी इनको कनेक्ट करने के लिए बोलेंगे, कोई मोमेंट नहीं है। मोमेंट है तो थोड़ा करो, नहीं है ठीक है, ऐसा करो मोमेंट नीचे की तरफ करो, मोमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है ऊपर की तरफ हो रहा है। अब क्या है, अगर इस इनको ये कहा जाए, इनकी जो है, इनको जो है काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई थी यहाँ पर क्लेविकल के पास में, जो गाय का जो सींग था वो सीधा यहाँ आके लग गया था, उसकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। इनकी जो मेन जो ब्रांच है आर्टरी की, बड़ी जो आर्टरी है उसमें भी इसमें डैमेज देखने को मिला है। इनका NGCC एंजियोग्राफी हो रखा है, उसके बाद इनका जो है हमने NCV भी करवाया। NCV कराने के बाद हमको पता चला कि इनका रेडियल मीडियल, सॉरी जो इनका मीडियल और जो अल्नार जो पार्ट है पूरा वो भी गया हुआ है। इनकी अच्छी खासी जो है नर्व में जो स्पेस होना चाहिए, ठीक है, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो जो सर्जन जो सर हैं वो ये कह रहे हैं कि काफ़ी बड़ा इनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होने से पहले एक अच्छी बात ये बताई उन्होंने कि इन्होंने अपने जो जॉइंट्स थे, ठीक है, वो सारे स्मूथ रखे, ठीक है, इनके जॉइंट्स सारे कैसे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, इनका MCP जॉइंट, ठीक है, DIP और PIP जॉइंट सारे स्मूथ है, इनका जो थंब है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं, ये मेरा वो वर्क रहता है कि मैं इन ऐसे पेशेंट्स को जिनका मूवमेंट नहीं है और जिनके सेंसेशन भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हैं, उनको उस पार्ट के जॉइंट को मैं अच्छा सॉफ्ट रख लूँगा, जिससे कि इन फ्यूचर उनको कोई हेल्प हो सके तो हेल्प कोई भी कर सके इसी, ठीक है। और साथ में कह सकूँगा कि इनको किसी भी तरह की कोई टेंस की, IFT की या फिर मस्कुलर स्टिमेटर है, उनकी किसी भी तरह की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो सब हम जो है माइल्ड स्टेज पे या फिर माइनर स्टेज पे हम उनको करना प्रेफर करते हैं। धन्यवाद।